हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द अल्टीमेट गोल। तो आज की इस वीडियो में हम जियोग्राफी की एक मॉक टेस्ट लेंगे जहां पर 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होगा और उससे रिलेटेड कुछ एक्सप्लेनेशन के साथ हम इस मॉक टेस्ट को कवर करेंगे। तो आप पहले कोशिश कीजिए एमसीक्यूज को खुद से सॉल्व करने के बाद, और जो आपका स्कोर होगा वो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, शुरू करने से पहले यहाँ पर नंबरिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। पहला क्वेश्चन जो था वो आउट ऑफ सिलेबस था, इसलिए हमने इसको एलिमिनेट कर दिया है। तो इस 2 से शुरू हो रहा है, मतलब 19 क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, ठीक है। और जो एक अपडेट है एग्ज़ाम को लेकर, तो देखिए इस साल एग्ज़ाम के चांसेस दिसंबर से पहले बहुत कम है। तो जो जून की जो एग्ज़ाम है ना, वही एग्ज़ाम शायद ऐसा हो सकता है कि दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, क्योंकि देखिए जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की जो एग्ज़ाम्स है, सिर्फ फाइनल ईयर एग्ज़ाम को छोड़कर सारे जो एग्ज़ाम है, लगभग ईच एंड एवरी स्टेट ये डिसाइड कर चुके हैं कि वो एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया जाए या प्रमोट कर दिया जाए। तो इस हालत में ये लगता नहीं है कि जो जून की हमारी एग्ज़ाम है वो किसी भी हालत पे होगा। जून का एग्ज़ाम का जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया गया है, अगर हालात अच्छे रहे तो वो जुलाई या सितंबर में, जुलाई में तो पॉसिबल नहीं है, सितंबर में वो एग्ज़ाम हो सकता है। और अगर भी लॉकडाउन चलता रहा और ऐसे ही हालात है, तो दिसंबर से पहले एग्ज़ाम होने की कोई भी चांसेस नहीं है। और इस तरह की एग्ज़ाम जो कि एक सिर्फ एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यहाँ पर कोई एकेडमिक एग्ज़ाम नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये एग्ज़ाम किसी भी हालत पर दिसंबर से पहले नहीं हो सकता है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रिपरेशन करते रहना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन जो है, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र आर एग्जाम्पल्स ऑफ, तो इंडस एंड ब्रह्मपुत्र किस तरह की रिवर की एग्जाम्पल है। तो इसकी जो आंसर है वो है एंटीसीडेंट स्ट्रीम। तो एंटीसीडेंट स्ट्रीम वो स्ट्रीम को बोलते हैं कि कोई स्ट्रीम है, अगर स्ट्रीम की जो फ्लो है उसकी लाइन पे कभी कोई टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण कोई माउंटेन्स आता है या कुछ भी आता है, तो उनको अगर कट करके वो अपने जो वे है, रूट है, उसको वो बरकरार रखते हैं, तो उसे हम एंटीसीडेंट स्ट्रीम बोलते हैं। और अगर उसको कट नहीं करके वो ऐसे रूट को चेंज करके चला जाता है, तो उसके हिसाब से नाम होता है, ठीक है। वो सबसिक्वेंट हो सकता है, सुपर इम्पोज हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंट हो सकते हैं, वो उस हिसाब से होता है। लेकिन अगर उसको कट करके चला जाता है तो उसको हम एंटीसीडेंट स्ट्रीम बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, द एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव हाई टाइड्स, दो सक्सेसिव हाई टाइड्स के बीच में जो टाइम इंटरवल है उसको वो कितना है ये पूछा जाए। तो इसकी जो आंसर है, इसके आंसर होगा 12 hours 26 minutes। ओके, इसकी राइट आंसर है 12 hours और 26 minutes। और जो दो टाइप के दो टाइड होते हैं दिन में, पहली बार जो होते हैं वो सन एक साइड पे रहते हैं, मून एक साइड पे रहते हैं, और दूसरी बार जो होता है ना, सॉरी दोनों बार ही सन एक मतलब साइड चेंज हो जाता है, मून इधर चला जाता है और अगर सन है तो सन इधर चला जाता है। तो इसकी जो ऑल्टरेशन होता है, ऑल्टरेशन के कारण जो टाइड के अमाउंट है, मान लीजिए ये कंट्री है, इधर इधर इस साइड पे मून है, इस साइड पे सन है, तो ऐसे अगर सिचुएशन होगा, यहाँ पर सन है, यहाँ पर मून है, तो इसकी जो टाइड की मात्रा है उसमें चेंज होगा। दो बार एक तरह की टाइड नहीं देखने को मिलेगा, उसमें चेंज होगा, और जिधर मून रहता है उधर टाइड्स की मात्रा ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ नेसेसरी टू नो द बोथ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ ए प्लेस इन ऑर्डर टू डिटरमाइन, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की क्या जरूरत है ये पूछा गया। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर है लोकेशन, ठीक है। लोकेशन हम डिटरमाइन करते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से, टाइम हम डिटरमाइन करते हैं सिर्फ लॉन्गिट्यूड के बेसिस पे, ऑल्टीट्यूड के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। और टाइम देखिए, टाइम में स्टैंडर्ड टाइम और लोकल टाइम, ये दोनों ही लॉन्गिट्यूड के हिसाब से देखा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर रीजनल डेलिनेशन, रीजनल डेलिनेशन के लिए इसमें कौन सा चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो देखिए इसकी जो आंसर है, इसके आंसर इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी राइट आंसर हो सकता है, लॉस सेटलमेंट मॉडल। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ, जो ग्रेविटी मॉडल है ये भी ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, तो इसके बेसिस पर भी किया जाता है। मेनली जो ग्रेविटी मॉडल है वो एक सक्सेसफुल मॉडल नहीं है, तो इसकी जो आंसर है, इसकी मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर है ऑप्शन ए, ग्रेविटी पोटेंशियल मॉडल। हालांकि कई जगह पर इसको लॉस के सेटलमेंट की जो मॉडल है उसको भी रीजनल डेलिनेशन के लिए यूज़ किया जा रहा है ऐसा लिख रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये ग्रेविटी पोटेंशियल मॉडल ये रीजनल डेलिनेशन के लिए इस्तेमाल होता है अभी भी, तो इसके आंसर ऑप्शन ए होगा। ए और सी में आप कन्फ्यूज ना हो जाइए, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन थोड़ा सा सही है सेकेंड ऑप्शन, लेकिन दोनों में से जो अगर आपको चूज करना है किसी एक को, तो आपको ए ही यहाँ पर चूज करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज नॉट कॉज रीजनल इम्बैलेंस, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसकी जो आंसर है वो डायरेक्ट आंसर देता जा रहा हूँ, इसका आंसर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल की जो ईयर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि SDG की जो गोल है, अल्टीमेट गोल है, वो कितने साल है। ओके, हालांकि अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो गोल्स है उससे बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाएंगे, इस कोरोना के बाद बहुत सारे चेंजेस हो जाएंगे दुनिया में। ओके,
नेक्स्ट देखिए, नोडल रीजन आर डेलिनेटेड। नोडल रीजन जो होता है एक सिटी रीजन के अंदर या कोई एक सेटलमेंट के अंदर, तो वो नोडल रीजन किसके बेसिस पर हम डिटरमाइन करते हैं। देखिए नोडल रीजन मतलब सेंट्रल रीजन बोलते हैं, लेकिन वो सेंटर में होगा ऐसे जरूरी नहीं है, वो यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। तो ये बेसिस होगा बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स में। यहाँ पर गुड्स लिखा है, इसको होना चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम अर्ली पीरियड्स हैड अ बेनिफिशियल इंपैक्ट। जो माइग्रेशन ऑफ पीपल है उसका क्या बेनिफिशियल इंपैक्ट हमें यहाँ पर मिला है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स कॉमनली ग्रो अप फॉर प्रोवाइडिंग। जो रूरल एरियाज और छोटे टाउन्स है वो किस लिए, मतलब जो रूरल एरियाज होता है वहाँ पर उसके आसपास हमें कई कई जगह पर छोटे छोटे टाउन्स देखने को मिलेगा, तो वो टाउन्स किस लिए बने हैं ये क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मार्केट फैसिलिटीज। ये जो मार्केट है ना, ये सामान खरीदते जो गाँव के लोग हैं, इसीलिए ये टाउन्स धीरे धीरे बढ़ता रहता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन अर्बन सेंटर्स। इंडियन अर्बन सेंटर्स को किसके बेसिस पर क्लासीफाई किया जाता है? तो देखिए यहाँ पर जो आंसर है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अर्बन सेंटर्स पूछा गया है या अर्बन एरियाज नहीं पूछा गया। अगर अर्बन एरियाज बोलते तो वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी आता। ओके, अर्बन सेंटर्स पूछा गया है तो इसमें इसका आंसर ऑप्शन डी फंक्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंक्लाइन फॉर्मेशन। सिंक्लाइन और एंटीक्लाइन फॉर्मेशन हमने पढ़ाया है जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर, तो उसमें सिंक्लाइन फॉर्मेशन के लिए क्या कौन से प्रोसेस इसमें रेस्पॉन्सिबल है? तो इसका आंसर है क्रस्टल कॉम्प्रेशन। पेरिप्लेन्स एंड इंजलबार्ज आर फीचर ऑफ ओल्ड स्टेज ऑफ व्हिच ऑफ द साइकिल ऑफ इरोजन। मतलब कौन से साइकिल ऑफ इरोजन में हमें पेरिप्लेन्स और इंजलबार्ज देखने को मिलता है ओल्ड स्टेज में, एकदम आखिर में जाकर? तो इसका आंसर है हमें ऑप्शन सी, एट साइकिल ऑफ इरोजन जहाँ पर है वहाँ पर हमें यह देखने को मिलता है। और ग्लेशियल साइकिल ऑफ इरोजन में आपको क्या देखने को मिलता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना। ग्लेशियल साइकिल ऑफ इरोजन में आपको ओल्ड स्टेज में क्या देखने को मिलता है? हालांकि ये माइक्रो फीचर्स एग्जाम में ज़्यादा आते नहीं है, फिर भी ये आप एक बार साइकिल ऑफ इरोजन सिलेबस में है तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, चारों के चारों साइकिल ऑफ इरोजन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट इंडिकेट सिमिलर प्रोसेस। तो इनमें से जो ऑड वन है उसको आपको निकालना है। देखिए डायस्ट्रोपिज्म है, फोल्डिंग है, एक्सफोलिएशन है, रैपिंग है। तो देखिए इनमें इसमें जो एक्सफोलिएशन जो है ना, ये एक्सोजेनेटिक प्रोसेस है, वेदरिंग के अंदर आते हैं। बाकी सारे के सारे जो है एंडोजेनेटिक प्रोसेस है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होता है। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन ऑफ फ्लो स्ट्रीम इज कंट्रोल्ड बाय रॉक स्ट्रक्चर। इनमें से कौन से स्ट्रीम को उसकी डायरेक्शन, फ्लो डायरेक्शन को रॉक स्ट्रक्चर कंट्रोल करता है? कॉन्सिक्वेंट को, सबसिक्वेंट को, इनसिक्वेंट को या ऑब्सिक्वेंट को? तो देखिए इसमें से कंट्रोल करता है इनसिक्वेंट को। इनसिक्वेंट को कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है वो कंट्रोल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज रिकॉर्डेड विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोग्राफ। हाइड्रोग्राफ हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? विंड वेलोसिटी के लिए, वेपर रिटेंशन के लिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए या वाटर डिस्चार्ज के लिए? तो इसके आंसर है ऑप्शन सी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए हम हाइड्रोग्राफ इस्तेमाल करते हैं। और हाइड्रोग्राफ में दो, एक ड्राई बल्ब थर्मोमीटर और एक वेट बल्ब थर्मोमीटर होता है। वेट बल्ब में नीचे एक थोड़ा सा कपड़ा रहता है और उसमें पानी लगा हुआ होता है, तो इसके हिसाब से हम एक टेबल होता है, टेबल के हिसाब से हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी मिलता है हाइड्रोग्राफ से। द इंक्रीज इन द क्लोरोफ्लोरो कार्बन इन द एटमोसफियर। क्लोरोफ्लोरो कार्बन की जो इंक्रीज है वो किसके साथ एसोसिएटेड है? तो देखिए ये क्वेश्चन कुछ दूसरी तरीके से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये पूछा गया है कि क्लोरोफ्लोरो कार्बन की जो इंक्रीज होगा उसमें क्या हो सकता है, उसकी इम्पैक्ट क्या है? तो इसकी जो राइट आंसर है ऑप्शन है ए, ओजोन डिप्लेशन। ठीक है, सी लेवल राइज, ये सारे के सारे ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट है। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन ऑफ अर्थक्वेक। ऑरिजिन ऑफ अर्थक्वेक की जो ऑरिजिन है उसको क्या बोलते हैं? क्वैक सेंटर बोलते हैं, एपी सेंटर बोलते हैं, सिस्मिक फोकस बोलते हैं या टेक्टोनिक पॉइंट बोलते हैं? तो इसकी जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सिस्मिक फोकस। और ये याद रखिएगा फोकस हमेशा जो सरफेस है उसके नीचे होगा, कभी भी सरफेस में फोकस नहीं होता है। फोकस जो होता है सरफेस से नीचे होता है, और सरफेस के नीचे से टोटल 90 डिग्री एंगल में सरफेस के ऊपर की जो पॉइंट है वो होता है एपी सेंटर। सरफेस इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर इज फेनोमेनन रिलेटेड टू। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, सरफेस इन्वर्सन जो टेम्परेचर में होता है वो किसके साथ रिलेटेड? तो देखिए कोई भी इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर, इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर बोलते हैं इंक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीज एलिवेशन को, चाहे वो सरफेस इन्वर्सन हो या अपर एयर इन्वर्सन हो। हाँ, इसके प्रोसेस अलग अलग है जो हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है क्लाइमेटोलॉजी के कोर्सेज में। हु हैड यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ एवापो ट्रांसपिरेशन इन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन में किसने एवापो ट्रांसपिरेशन के कॉन्सेप्ट को दिया है? तो ये दिया था थॉर्नथवेट ने, और ये कौन से ईयर में दिया यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कौन से ईयर में ये एवापो ट्रांसपिरेशन, पोटेंशियल एवापो ट्रांसपिरेशन यानी पीई इंडेक्स, ये कौन से ईयर की क्लासिफिकेशन में उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया? लास्ट क्वेश्चन आज का,
यू स्टैटिक चेंजेस इन सी लेवल्स आर कॉज्ड बाय। तो देखिए यू स्टैटिक जो चेंजेस होता है सी लेवल राइज और फॉल वो किसके साथ रिलेटेड है, तो इसका जो आंसर है ये आंसर है देखिए आइस एज है, एपिरोजेनिक मूवमेंट से, ओरोजेनिक मूवमेंट से और आइसोस्टेटिक चेंजेस से। तो इसमें आपको लग सकता है एपिरोजेनिक मूवमेंट, ओरोजेनिक, एपिरोजेनिक तो नहीं होगा, ओरोजेनिक मूवमेंट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आंसर है आइसोस्टेटिक चेंजेस से। आइसोस्टेटिक चेंजेस से सी लेवल चेंजेस आपको देखने को मिलता है और इसी को हम यूस्टेटिक चेंजेस बोलते हैं। ओके सो अब बहुत दिन बाद एक वीडियो आया है और इसके बाद हम वीडियो डालेंगे बीच बीच में, लेकिन थोड़ा सा गैप में, क्योंकि अभी देखिए स्टडी मटेरियल की अवेलेबिलिटी नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा जो हमारे पास स्टॉक है उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं और इस लॉकडाउन पीरियड में। सिचुएशन नॉर्मल होने के बाद हम जो पहले रेगुलर वीडियो डालते थे उसी हिसाब से हम वीडियो डालेंगे, अभी 7 दिन में या 10 दिन में एक वीडियो डालेंगे, क्योंकि स्टॉक बहुत कम है हमें, जो भी हमारे पास बुक्स है, यानी हम दोनों मिलकर क्लास कराते हैं तो दोनों में से कोई एक के पास जो बुक्स है उसके हिसाब से हम यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं बना रहे हैं, स्टडी मटेरियल जो भी है उसकी बेसिस पर बना रहे हैं, और सारी चीज़ें ऑनलाइन नहीं मिलते या आप खुद भी जानते। ओके सो बाय बाय, थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो, हैव अ नाइस डे।